पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया था। दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, तो लोगों ने उन्हें काउंसलर के पास जाने की सलाह दी, तो वे दोनों काउंसलर के पास चले गए। दोनों जब ऑफिस में दाखिल हुए तो काउंसलर ने दोनों के चेहरे पर गंभीर तनाव देखा। उसने दोनों को बैठने को कहा, फिर उनसे उनकी समस्या पूछी, तो वे दोनों एक दूसरे पर आलोचनाओं के पहाड़ डालने लगे। काउंसलर ने दोनों को अपना गुस्सा निकालने दिया और चुपचाप उनकी लड़ाई खत्म होने का इंतजार करने लगा। जब दोनों थक गए तो काउंसलर ने कहा, ये तो हुई आलोचनाओं की कहानी, अब एक दूसरे की खूबियों का भी वर्णन कीजिए। तो दोनों बिल्कुल चुप हो गए और कुछ नहीं बोले। काउंसलर समझ गया कि वो एक दूसरे से बहुत नाराज हैं। उसने दोनों को कागज और कलम दिए और कहा, एक दूसरे के गुणों को अपने अपने कागज पर लिखें। दोनों ने काफी देर तक कुछ नहीं लिखा। थोड़ी देर बाद पति ने अपने कागज पर कुछ लिखना शुरू किया। तुरंत उसकी पत्नी भी अपने कागज पर कुछ लिखने लगी। फिर लिखकर दोनों ने अपने पेपर काउंसलर को सौंप दिए, मगर काउंसलर ने कहा कि एक दूसरे के पेपर वो खुद पढ़ें। फिर दोनों पढ़ने लगे और कुछ देर बाद पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों एक दूसरे की तारीफ पढ़कर बहुत खुश हुए। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने कभी लड़ाई ही नहीं की। काउंसलर ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था। दोस्तों, हर इंसान में कई खूबियां और खामियां होती हैं। अगर हम एक दूसरे के दोष निकालने के बजाय एक दूसरे के गुणों को याद रखें तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। धन्यवाद। ऐसे ही और पोस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।